कांड के आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे लगातार योगी सरकार पर आरोप लगा रही है। ऋचा दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी पर भी निशाना साधा है। ऋचा दुबे ने कहा कि उनके पति विकास दुबे का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, बीजेपी के नेता उनकी जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं, उनके खेतों के अनाज भी बिकने नहीं दे रहे हैं। आज 2 साल होने को आ रहे हैं धीमे धीमे करते हुए हमारे पति का डेथ। मैंने इस मुद्दे को लेकर बुलाई कि मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रही है, हम लोगों को, हमको, हमारे परिवार को हर तरीके से तोड़ा जा रहा है। डायरेक्ट ही हमारे मुख्यमंत्री जी हमको पर्सनल लेके हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। हम लोग की मानिए ये चलिए कि हमारे सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि हम आज 2 साल होने को आ रहे हैं धीमे धीमे करते हुए हमारे पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। हम बन बन भटक रहे हैं, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। जहां जहां को कहता है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला है, कोई सुनने को नहीं तैयार है। हम हर जगह भटक रहे हैं, थानों में जा रहे हैं, हर जगह जाते हैं, मर्चरी में गए, हेलेट गए, हर जगह गए, कोई सुनवाई नहीं।